हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे झारखंड के इतिहास को। झारखंड के इतिहास का ये मेरा 31वां क्लास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के इतिहास के इस क्रम में आज आप जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका। इसके पहले क्लास में आपने असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका, और असहयोग आंदोलन के बाद और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी झारखंड में, ये आपने पढ़ा। अब आप जानेंगे कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन कौन सी घटनाएँ घटी थी। मैं कोशिश करूंगी आसान करके आपको समझाने की, क्योंकि यहाँ जितने भी फैक्ट मैंने डाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी में हुई, झारखंड पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। 9 अगस्त और 10 अगस्त को रांची तथा जमशेदपुर में हड़तालें हुई थी। 9 अगस्त को हजारीबाग के दो प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह गिरफ्तार कर लिए गए थे। हजारीबाग में आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग में कब हुई, तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। संध्या में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपने पढ़ा है इसके पहले भी सरस्वती देवी के बारे में। तो श्रीमती सरस्वती देवी जो थी वो हजारीबाग में सक्रिय थी और बिहार की जो महिलाएं, बिहार झारखंड की महिलाओं को संगठित करके और आंदोलन में उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम जो था वो श्रीमती सरस्वती देवी के जिम्मे ही था। सरस्वती देवी, साधना देवी, मीरा देवी, ये सभी महिलाएं जो थीं वो उन्होंने अपना भूमिका निभाया स्वतंत्रता संग्राम में। हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। संध्या को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उनको पकड़ के। तो उस समय 9 नवंबर 1942 ईस्वी को ये कारागार की दीवार को फांद करके ये वहां से फरार हो गए। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को कहाँ की जेल में रखा गया था, तो ये हजारीबाग की जेल में रखा गया था इनको। जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले और भी उनके साथी थे, वो थे रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और सालिग्राम सिंह। सालिग्राम सिंह जो थे वो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और जयप्रकाश नारायण को पकड़ने की सारी कोशिश सरकार की जो थी वो बेकार चली गई थी, वो नहीं पकड़े गए। फिर भूमिगत होकर इन्होंने अपनी गतिविधियों को जारी रखा। अब जानेंगे पलामू का क्षेत्र कैसे प्रभावित था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके पहले आपने हजारीबाग के क्षेत्र के बारे में जाना, अब पलामू के बारे में जानेंगे। पलामू में भी आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को हुई थी। जिस प्रकार हजारीबाग में शुरुआत हुई थी 11 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की, उसी प्रकार पलामू में भी 11 अगस्त 1942 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल हुई। जपला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिन्हा ने के नेतृत्व में ये हड़ताल हुई थी। मिथिलेश कुमार सिन्हा जो थे वो पकड़े गए। तो पलामू और भारत छोड़ो आंदोलन के पलामू में जो भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वो थी मिथिलेश कुमार सिन्हा की। और जपला फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल हुई थी जपला फैक्ट्री में, इस समय में उस मजदूर संघ के ये सचिव थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। तो आप याद रखिएगा इस नाम को, मिथिलेश कुमार सिन्हा, भारत छोड़ो आंदोलन, पलामू, जपला फैक्ट्री, ऐसे आप याद रखिए। अब जानेंगे देवघर में। देवघर में कौन कौन से प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय के, तो देवघर में पंडित विनोदानंद झा। आपने देखा कि विनोदानंद झा का की भूमिका असहयोग आंदोलन में भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी है और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका है। तो देवघर से हैं ये, याद भी हो गया होगा, देवघर, विनोदानंद झा, इनके नेतृत्व में यहाँ भी 11 अगस्त को ही शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को। इस एक जुलूस निकाली गई थी इनके नेतृत्व में। देवघर अनुमंडल के सरवण में समानांतर शासन की स्थापना कर दी गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहाँ पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था, तो देवघर के सरवण में समानांतर शासन को स्थापित किया गया था। झारखंड के अन्य क्षेत्रों पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव अब जानेंगे। अब हम लोग वन लाइनर्स देखेंगे इसमें। 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल जो लोहरदगा में है
वहां के छात्रों के द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, ये नाम है, आप इस नाम को याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रफुल्ल चंद्र पटनायक संथाल परगना के क्षेत्र में ये सक्रिय थे। ये पहाड़िया लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पहाड़िया लोगों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक कर रहे थे। इनके आंदोलन का जो मुख्यालय था वो था डांगपारा। ब्रिटिश सरकार ने प्रफुल्ल चंद पटनायक और उनके तीन सर्वाधिक सक्रिय साथियों के लिए 200 रुपये इनाम घोषित कर दिए थे। फिर एक नाम आता है रामानंद तिवारी। अब इनके बारे में जाने, जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन में के समय में जमशेदपुर में सिपाहियों ने विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था, तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में किया गया था। इन्हें गिरफ्तार करके इनको भी हजारीबाग जेल में रखा गया था। जैसे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, वो वहाँ से कूद कर भाग गए, उनके साथ उनके अन्य साथी भी जो थे वहाँ से फरार हुए। रांची और उसी तरीके से रामानंद तिवारी को हजारीबाग जेल में ही रखा गया था। रांची में 22 अगस्त 1943 ईस्वी को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी संभवतः इस आंदोलन की सबसे अंतिम गिरफ्तारी थी। वाचस्पति त्रिपाठी कहाँ सक्रिय थे, तो रांची में इनकी गिरफ्तारी हुई 22 अगस्त 1943 ईस्वी को, और ये भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम गिरफ्तारी हुई थी झारखंड से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद झारखंड क्षेत्र से एकीकृत बिहार के मात्र दो जो सर्वश्री विनोदानंद झा और कृष्ण वल्लभ सहाय, ये दो ही मुख्यमंत्री बने हैं स्वतंत्रता, जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री में इन दोनों का नाम शामिल है जो झारखंड से हैं। अब जानेंगे झारखंड का इतिहास। ये देखिए, जैसे मैंने इसके पहले क्लास में आपको पढ़ाया था तो वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैं वहीं रुक गई थी, तो ये आप जहाँ से आज मैंने पढ़ाना शुरू किया आप उसी को ही मानेंगे, इसको नहीं मानिए। राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड की महिलाएं, अब महिलाओं की क्या भूमिका रही झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के समय में, तो ये हम लोग जानेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को तो आपने पहले ही पढ़ रखा है तो यहाँ बस रिवीजन आप करेंगे। एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से बता दूँ ताकि और अच्छे से, अभी पहले आप जान जाए शॉर्ट में, फिर आपको आगे बताऊँगी। देखिए जैसे कि ये जगह जो है पलामू का जो क्षेत्र है, तो पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोजदास सक्रिय थी। हजारीबाग में सरस्वती देवी साधना देवी सक्रिय थी। फिर दुमका में श्रीमती महादेवी केजरीवाल सक्रिय थी। संथाल परगना में श्रीमती शैलबाला राय और बिरजी, इनके बारे में पढ़ेंगे, बिरजी के बारे में, शैलबाला राय के बारे में भी। गिरिडीह में जो सक्रिय थी वो थी श्रीमती मीरा देवी, मैंने मीरा देवी का नाम इसको पहले लिया है, तो वो गिरिडीह में सक्रिय थी। और सरस्वती देवी, साधना देवी, कुमारी राजवसी सरोजदास, फिर श्रीमती महादेवी केजरीवाल, श्रीमती शैलबाला राय, बिरजी, और दो नाम और आता है जो दुमका से हैं, श्रीमती जागवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी। तो इसका नाम, इन लोगों का नाम याद रखिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए झारखंड में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में हजारीबाग की सरस्वती देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनको जेल जाना पड़ा। संथाल परगना की श्रीमती शैलबाला राय ने नमक आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में महिलाओं का नेतृत्व किया। शैलबाला राय कहाँ से संबंधित थी, तो संथाल परगना से, और नमक आंदोलन में सक्रिय थी। हजारीबाग की जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, जो एक संत कोलंबा कॉलेज की जो प्रधानाध्यापक थी उनकी पुत्री थी ये श्रीमती साधना देवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह की इनको सजा हुई थी दोनों को। यह घटना नमक आंदोलन के समय में घटी। श्रीमती मीरा देवी के बारे में जानेंगे। श्रीमती मीरा देवी जुलाई 1930 ईस्वी में गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरिडीह की थी मीरा देवी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती महादेवी केजरीवाल, अब इनके बारे में जानेंगे। 1941 ईस्वी में दुमका में सत्याग्रह करने का इन्होंने फैसला किया। ये दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की पत्नी थी। 1941 ईस्वी में सत्याग्रह करने का इन्होंने फैसला किया और दुमका, ये यहाँ 1942 होगा, और ये दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा की पत्नी थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था
और इनको गिरफ्तार करके भागलपुर के जेल में भेज दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय में, माफ कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके कहाँ की जेल में रखा गया था, तो इनको भागलपुर की जेल में रखा गया था। ये देखिए तीनों बारी गिरफ्तार हुई थी सरस्वती देवी, लेकिन लास्ट में ये बताया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कि इनको गिरफ्तार करके भागलपुर के जेल में रखा गया। 12 अगस्त 1930 ईस्वी को जब श्रीमती सरस्वती देवी अन्य महिला कैदी के साथ हजारीबाग से जब उनको भागलपुर केंद्रीय जेल लाया जा रहा था, तब विद्यार्थियों के एक दल ने धावा बोला और पुलिस की हिरासत से उनको छुड़ा लिया, लेकिन फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया 14 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये भाषण दे रही थी कहीं पर, तो वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जानेंगे श्रीमती जागवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी। मैंने आपको बताया इसके पहले कि दुमका से हैं ये लोग, श्रीमती जागवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी। दुमका की श्रीमती जागवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 ईस्वी को विशाल जुलूस निकाला गया। इन दोनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब बिरजी देवी के बारे में जानेंगे। संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी बिरजी 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस गश्ती दल के द्वारा गोली से ये उड़ा दी गई थी। इनको मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बिरजी को, और ये संथाल परगना में इनका भूमिका था। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास, अब इनके बारे में जानेंगे। पलामू आपको मैंने मैप में बताया, पलामू से हैं ये कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। पलामू में महाक्रांति की बागडोर कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के हाथ में था। उन्होंने जपला सीमेंट कारखाना में काम करने वाले मजदूरों तथा किसानों को संगठित किया था। श्रीमती दास के कार्यों से घबराकर सरकारी अधिकारियों ने उनके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी। तो आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण ऐसी महिलाओं के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड में सक्रिय थी, और इन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। एक बार और मैं मैप के माध्यम से बता दूं, हजारीबाग में जो सक्रिय महिलाएं थी वो थी सरस्वती देवी और साधना देवी। दुमका में जिन महिला का भागीदारी था वो था श्रीमती महादेवी केजरीवाल। संथाल परगना से थी श्रीमती शैल बाला राय और बिरजी, बिरजी जिनको जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको गोली से मार दिया गया था। गिरिडीह में सक्रिय थी श्रीमती मीरा देवी, और पलामू में थी कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। दुमका में थी श्रीमती जागवंती देवी और श्रीमती प्रेमा देवी, इनकी भूमिका थी दुमका से। तो आज की क्लास में आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में झारखंड का इतिहास ये समाप्त होता है। इसके बाद के क्लास में जैसे आपको पढ़ना है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं, लगभग 5 या 6 वीडियोस होंगे इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एक ना एक प्रश्न तो निश्चित पूछा जाएगा JSSC में, और JPSC में तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसके वीडियोस मैं इसी के साथ अरेंज कर दूंगी, जैसे 31 क्लासेस आपने की अब तक झारखंड के इतिहास के, और इसके बाद का जो वो सब क्लास जो मैंने रखा है अलग प्लेलिस्ट में उसको रखा है, तो इसी प्लेलिस्ट में मैं उसको डाल दूंगी, और उसका क्लास का जो नंबर है वो दे दूंगी 32, 33, 34 ऐसे करके। तो आप लोगों को एक साथ ही झारखंड के इतिहास का सारा चैप्टर मिल जाएगा, और इसी में मैं वो झारखंड के जो जनजाति है उनके प्रशासनिक व्यवस्था है जो इतिहास विषय में ही आता है, तो उसको भी इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ताकि एक लाइन से अगर आप देखें इतिहास विषय का सारे वीडियोस को, तो सारे वीडियोस आपको एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्लास के नाम जैसे क्लास अब इसके बाद जो भी उसको अरेंज करूंगी, तो क्लास 32, 33, 34, 35, 36 करके अरेंज कर दूंगी। आप रिवीजन करते रहिएगा बार बार इतिहास विषय का। तो आज इतिहास विषय समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ, उनकी रीति रिवाज, संस्कार, फिर झारखंड की कला और संस्कृति, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। करंट अफेयर के भी क्लासेस कल से आपको कंटिन्यूअस मिलना शुरू कर देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।